अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट रैम एंड इट्स टाइप्स, लेक्चर नंबर 22। ये रैम एंड रोम जो सीपीयू के अंदर हमें नज़र आती हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द CPU for storing data program and program result। RAM जो है एक internal memory है CPU के अंदर पाई जाती है, जो कि इस्तेमाल की जाती है data को store करने के लिए, programs को store करने के लिए और programs के results को store करने के लिए। It is a read write memory which stores data until the machine is working। ये एक ऐसी memory है जो कि हम पढ़ भी सकते हैं और इस पर लिख भी सकते हैं, लेकिन ये मेमोरी ऐसे डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो डाटा जब कंप्यूटर वर्क कर रहा हो तब तक ही डाटा स्टोर कर सकती है, अदरवाइज़ ये डाटा स्टोर नहीं कर सकती। एज सून एज द मशीन इज़ स्विच्ड ऑफ डाटा इज़ इरेज्ड। लेकिन अगर मशीन जो है वो बंद हो जाती है, यानी कि कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ हो जाता है, तो डाटा जो है वो इरेज हो जाता है, यानी कि डाटा लॉस हो जाता है। डाटा इसके अंदर टेम्परेरली रहता है, परमानेंटली नहीं रहता। एक्सेस टाइम इन रैम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस, डैट इज़ ईच स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द मेमोरी इज़ एज ईजी टू रीच एज अदर लोकेशंस एंड टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि इसके अंदर रैम के अंदर टाइम एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली हम जो है वो एड्रेस जो है उस पर टाइम एक्सेस कर सकते हैं, और हर स्टोरेज जो है उसकी अपनी एक अंदर से मेमोरी होती है, और वो इजीली जो है वो एक दूसरे तक लोकेशन पहुंचा सकते हैं। हम किसी भी टाइम पे सेम टाइम पे भी सेम ही वक्त लगता है किसी भी लोकेशन को पहुँचाने में। डाटा इन द रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। डाटा जो है रैम के अंदर हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हम सॉर्टेड फॉर्म में ना हो, वन सॉर्टेड हो, उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा, यानी कि रैम जो है बहुत ज़्यादा महंगी है और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वगैरह खर्च करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है रैम इज़ वोलेटाइल। रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, डैट इज़ डाटा स्टोर्ड इन इट इज़ लॉस्ट व्हेन वी स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर और इफ़ देयर इज़ अ पावर फेलियर। डाटा जो है इसके अंदर से लॉस हो जाता है जब हम कंप्यूटर को स्विच्ड ऑफ करें या फिर लाइट जो है वो ऑफ हो जाए रैंडमली, या अचानक ही लाइट ऑफ हो जाए, तो फिर डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि डाटा टेम्परेली स्टोर होता है इसके अंदर, इसलिए डाटा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है हैंस अ बैकअप यूनी इंटरप्टेड टेबल पावर सिस्टम इज़ ऑफन यूज्ड विद कंप्यूटर्स। इसलिए इसको यूपीएस यानी कि एक बैकअप जो है, बैकअप पावर सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के साथ इसको भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा जो डाटा है वो लॉस ना हो। रैम इज़ स्मॉल बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। रैम जो है वो बहुत छोटी होती है, अगर हम देखा दोनों तरह से देखा जाए, अगर साइज़ में भी फिज़िकली साइज़ जो है इसका छोटा होता है और डाटा भी इसके अंदर लिमिटेड अमाउंट में ही आ सकता है, स्टोर हो सकता है। रैम इज़ ऑफ टू टाइप्स। रैम की फर्दर टू टाइप्स हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम और डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। नेक्स्ट है स्टैटिक रैम। द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कॉन्टेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। स्टैटिक का जो मतलब है कि मेमोरी को, यानी कि जो मेमोरी है वो बरकरार रहती है उस वक़्त तक जिस वक़्त तक लाइट हो, लाइट की सप्लाई या पावर की जो सप्लाई वो मिल रही हो उस वक़्त तक जो है मेमोरी हमारी बरकरार रहती है। However, data is lost when the power gets down due to volatile nature. लेकिन डाटा उस वक्त लॉस होता है जब जब जो है वो पावर नहीं मिलती उसको, यानी कि
लाइट जब ऑफ हो जाए, जब करंट जो है वो पास ना करी हो, तो फिर हमारा डाटा लॉस हो जाता है। एस रैम चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स एंड नो कैपेसिटर्स। एस रैम जो है इसके अंदर चिप्स होती हैं, ऐसे के माइक्रो चिप्स होती हैं इस तरह से, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कैपेसिटर उसके अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, कोई कैपेसिटर नहीं होता इस रैम के अंदर। ट्रांजिस्टर्स डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो एस रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ट्रांजिस्टर जो है उनको ज़रूरत नहीं होती पावर की, करंट की, और वो बच यानी कि हम उसको प्रिवेंट करें लीकेज से, किसी भी किस्म की पावर की लीकेज से। इसलिए एस रैम जो है उसको ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको डेली जो है वो उसको रिफ्रेश करें। नेक्स्ट है, देयर इज़ एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स, हैंस एस रैम यूजेज मोर चिप्स देन डी रैम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ शॉर्टेज स्पेस, मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर। एक्स्ट्रा जो जगह है यानी कि फालतू जगह के लिए, मैट्रिक्स के अंदर फालतू जगह होती है जो कि एस रैम जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं चिप्स को, डी रैम जो है वो उसके अंदर स्पेस सेम होती है लेकिन किसी स्टोरेज स्पेस जो है वो सेम तरह की होती है, यानी कि एक जैसी होती है लेकिन उसके अंदर चिप्स ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती। और इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी बन जाती है, यानी कि बनाने के लिए अगर हम इस तरह से बनाना हो, हमने चिप्स वगैरह ज़्यादा ऐड करनी हो एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, तो वो उसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। एस रैम इज़ दस यूज्ड एज कैश मेमोरी एंड हैज़ वेरी फास्ट एक्सेस। एस रैम जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कैश मेमोरी की तरह, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ जो है इसकी स्पीड होती है, जो ये तेज़ी से ये काम करती है। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम की जो है ये खसूसियात हैं कुछ, लॉन्ग लाइफ यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है, नो नीड टू रिफ्रेश, और इसको रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। फास्टर यानी कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। यूज्ड एज कैश मेमोरी, और ये कैश मेमोरी जैसे काम करती है बिल्कुल उसी तरह ही ये भी काम करती है। लार्ज साइज़ यानी कि इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। एक्सपेंसिव यानी कि ये महंगी होती है। हायर पावर कंजप्शन, ये हाई पावर जो है उसको यानी कि इस्तेमाल होती है, इसके अंदर पावर जो है वो इसकी हाई वोल्टेज जो है वो कंज्यूम करती है। नेक्स्ट इज डी रैम। डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। डी रैम अनलाइक एस रैम मस्ट बी कॉन्टीन्यूअली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। डी रैम बिल्कुल भी एस रैम की तरह की नहीं होती, बल्कि इसको हमें बार बार जो है और मुसलसल तौर पे इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि हम डाटा जो है उसको सही रख सकें, सेव रख सकें। दिस इज़ डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट द डाटा सेवरल हंड्रेड टाइम्स पर सेकेंड। और सर्किट्स को रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि जो मेमोरी है उसकी जगह वगैरह जो है वो रिफ़्रेश रहे और डाटा हमारा जो है वो इस सही से चलता रहे। 100 times per second, एक सेकेंड में 100 times जो है वो चले। नेक्स्ट है, डी रैम इज़ यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट इज़ चीप एंड स्मॉल। डी रैम जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है सिस्टम की जो मेमोरी है उसको चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप होती है, यानी कि ये इतनी सस्ती होती है और इसका साइज़ भी छोटा होता है। ऑल डी रैम्स आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स विच आर कम्पोज ऑफ 1 capacitor एंड 1 transistor। ये सारे जितने भी डी रैम्स हैं वो बनी हुई है मेमोरी के सेल्स से, जो कि जिसके अंदर पाया जाता है 1 capacitor और 1 transistor। करेक्टरिस्टिक्स हैं डायनेमिक रैम की, खसूसियात हैं डी रैम की, शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम यानी कि इसके अंदर डाटा जो है वो लॉन्ग टाइम नहीं रहता बल्कि शॉर्ट टाइम रहता है, यानी कि कुछ ही वक्त के लिए सेव रहता है। नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कॉन्टीन्यूसली, और इसको बार बार रिफ्रेश करने की अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। स्लोअर एज़
कंपेयर टू SRAM. SRAM की नस्बत DRAM जो है वो स्लो है, उसकी स्पीड स्लो होती है. यूज्ड एज RAM, और ये RAM की तरह जैसे RAM जो है इस्तेमाल होती है बिल्कुल इसी तरह ये भी इस्तेमाल की जाती है. स्मॉलर इन साइज़ जो है इसका छोटा होता है. लेस एक्सपेंसिव यानी कि इतनी महंगी नहीं होती. लेस पावर कंजप्शन यानी कि पावर जो है ये कम लेती है, कम पावर इसके अंदर इस्तेमाल होती है. टुडे आवर लेक्चर इज़ एंड. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.